तो आज का हमारा सवाल है मोशन इन वन डायमेंशन से, जो कि AIPMT मेन 2008 में पूछा गया सवाल है। तो चालू करते हैं। टू कार स्टार्ट्स ऑफ अ रेस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ If they reach the final point at same time। दो कार थीं जिन्होंने रेस स्टार्ट की, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की 4 मीटर पर सेकेंड। एक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने जब स्टार्ट किया, ये फाइनल पॉइंट पे यानी सेम फाइनल पॉइंट पे ये टी टाइम पे पहुँचे, तो यानी ये एस डिस्टेंस सेम रही होगी दोनों के लिए, ये तो कहा गया है। व्हाट इज़ द, और फिर हमसे पूछा गया है ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो हमको पता है एस इज इक्वल्स टू UT+ ½AT² होता है। हम दो कंडीशंस के लिए ये अप्लाई करें। इनिशियल वेलोसिटी पहली कंडीशन लें, इनिशियल वेलोसिटी टी, टाइम दिया है टी, हम ये टी माने हैं कि ये सेम टाइम टी पे पहुँचे, ठीक है। अब ये 2t हो गया प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है टी 2, ठीक है, और फिर टी स्क्वायर, तो ये आया हमारा 2t + t² ये हमें मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन बना लें, इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी है 4, टाइम टी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है 1, फिर क्या आया टी स्क्वायर, ये मिला हमें 4t + t² / 2। अब ये एस सेम है, हम तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ से 2t t² + 4t + t² / 2 आया। ऐसा सेम इक्वल करने पे इसको अब हम टी स्क्वायर बाय 2 को इधर ले आए, तो ये माइनस का हाफ माइनस हो जाएगा, और ये 2t को इधर ले जाएं तो ये माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करने पर t² / 2 और 2t आ गया, 1t से ये कैंसिल, t = 4 सेकेंड आ गया, यानी ये दोनों 4 सेकेंड पे इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब इस t की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी पे भी पुट कर दें, हम इसमें पुट करते हैं तो 2t की जगह पे 4 + 4 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और ये 24 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।